नमस्कार दोस्तों, आप देखिए मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, बहुजन समाज के लिए बड़ी दुख की खबर निकल के आई है। जी हां, मुजफ्फरपुर बिहार के जिले में एक बहुजन युवा क्रांतिकारी की चाकू मार के हत्या कर दी गई। जी हां, रोनोजीत उर्फ जॉन, जो कि एक जिम का संचालन करते थे, उनकी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस पर बहुजन समाज में भारी रोष है और यह बड़ी दुख की घड़ी है। इस घटना को लेकर मिशन निकासी नाम के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के भाई रामवीर जाटोलिया ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर जिला के क्रांतिकारी साथी रोनोजीत जॉन की कुछ असामाजिक तत्वों ने हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, अन्यथा पूरे देश के युवा मुजफ्फरपुर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हेल्पलाइन बिहार। जी हाँ, यह ट्वीट करके लिखा है रामवीर जाटोलिया, जो मिशन का सीनियर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है कि आरोपियों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें और उनको सजा दें, नहीं तो बहुजन समाज के लोग मुजफ्फरपुर आकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे देश से मुजफ्फरपुर जिले में आकर के पूरे देश के युवा बहुजन समाज के लोग आंदोलन करेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी इनको गिरफ्तार करें आरोपियों को। दूसरी ओर इसी घटना को लेकर ट्वीट किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के भाई विनय रतन ने कि बिहार में सुशासन बाबू का जंगल राज। बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रोनोजीत पासवान को कल देर शाम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आखिर कब तक बिहार में दलितों को मौत की घाट उतारा जाएगा? बिहार पुलिस सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे। जी हाँ, यह लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय रतन जी ने। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी के बहुजन समाज के युवा पूरे देश के मुजफ्फरपुर जिला आकर के बड़ा आंदोलन करेंगे, नहीं तो जल्दी से जल्दी के आरोपियों को गिरफ्तार करे प्रशासन। देखते रहिए मिशन की आवाज के साथ, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।